आज हम आपको इतिहास की तरफ लेकर चलते हैं। आजादी के फौरन बाद का इतिहास। ये इतिहास अपने भीतर कई परिपेक्ष को समाये बैठा है। अक्सर ये परिपेक्ष हमारे समक्ष नहीं पहुंचाए जाते हैं। इनके पीछे के अपने राजनीतिक कारण भी होते हैं। इन्हीं राजनीतिक कारणों की वजह से हमसे कुछ नाम छिपा लिए जाते हैं, उन पर चर्चाएं एकदम नगण्य होती हैं। इस देश के अंदर ऐसा ही एक नाम है, जोगेंद्र नाथ मंडल का। भारत में जन्मे जोगेंद्र नाथ मंडल सन 1947 में अविभाजित पाकिस्तान के प्रथम कानून व श्रम मंत्री बने, मगर एक मुस्लिम देश में गैर मुस्लिम होने के नाते मजबूरन 1950 में भारत वापस आ गए। जोगेंद्रनाथ मंडल का जन्म बंगाल के बरिसल जिले के माइसकड़ी में हुआ। वो अनुसूचित जाति से आते थे। इनकी माता का नाम संध्या और पिताजी का नाम रामदयाल मंडल था। जोगेंद्रनाथ मंडल 6 भाई बहन थे, जिनमें ये सबसे छोटे थे। जोगेंद्र ने सन 1924 में इंटर और सन 1929 में बीए पास कर पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पहले ढाका और बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय से पूरी की। सन 1937 में उन्हें जिला काउंसिल के लिए मनोनीत किया गया। इसी वर्ष उन्हें बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य चुना गया। सन 1939-40 तक वे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के करीब आए, मगर जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया कि कांग्रेस के एजेंडे में उनके अपने समाज के लिए ज्यादा कुछ करने की इच्छा नहीं है। इसके बाद वो मुस्लिम लीग से जुड़ गए। जोगेंद्रनाथ मंडल मुस्लिम लीग के खास सदस्यों में से एक थे। 1946 में चुनाव के ब्रिटिश राज में अंतिम सरकार बनी तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना, जो कि मंत्री के तौर पर सरकार में काम करेंगे। मुस्लिम लीग ने जोगेंद्रनाथ मंडल का नाम भेजा। पाकिस्तान निर्माण के बाद मंडल को कानून और श्रम मंत्री बनाया गया। जिन्ना को जोगेंद्रनाथ मंडल पर भरोसा था। वो मोहम्मद अली जिन्ना के काफी करीबी भी थे। दरअसल जोगेंद्र ने ही अपनी ताकत से असम के सयल हेट को पाकिस्तान में मिला दिया था। 3 जून 1947 की बंटवारे की घोषणा के बाद असम के सयल हेट को जनमत संग्रह से तय करना था कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा या फिर भारत का। उस इलाके में हिंदू मुसलमान की संख्या बराबर थी। जिन्ना ने इलाके में मंडल को भेजा। मंडल ने वहां की अनुसूचित जाति का मत पाकिस्तान के पक्ष में झुका दिया, जिसके बाद सयल हेट पाकिस्तान का हिस्सा बना। आज वो बांग्लादेश में है। मगर एक मुस्लिम देश के निर्माण के कुछ वक्त बाद गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया जाने लगा। हिंदुओं के साथ लूटमार, बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आने लगी। मंडल ने इस विषय पर सरकार को कई खत लिखे, लेकिन सरकार ने उनकी एक न सुनी। जोगेंद्रनाथ मंडल को बाहर करने के लिए उनकी देशभक्ति पर संदेह किया जाने लगा। मंडल को इस बात का एहसास हुआ कि जिस पाकिस्तान को उन्होंने अपना घर समझा था, वो उनके रहने लायक नहीं है, क्योंकि वो एक गैर मुस्लिम है। मंडल बहुत आहत हुए। उन्हें विश्वास था कि पाकिस्तान में दलितों के साथ अन्याय नहीं होगा। करीब 2 सालों में ही दलित मुस्लिम एकता का मंडल का ख्वाब टूट गया, चकनाचूर हो गया। इन्हीं वजहों से 8 अक्टूबर 1950 को लियाकत अली खां के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर मंडल भारत आ गए। जोगेंद्रनाथ मंडल ने अपने खत में मुस्लिम लीग से जुड़ने और अपने इस्तीफे की वजह को स्पष्ट किया, जिसके कुछ अंश यहाँ हैं। मंडल ने अपने खत में लिखा, मुझे आश्वस्त किया गया था कि लीग के साथ मेरे सहयोग से ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे बंगाल की बड़ी आबादी का भला होगा। हम मिलकर ऐसी आधारशिला रखेंगे जिससे सांप्रदायिक शांति और सौहार्द बढ़ेगा। इन्हीं कारणों से मैंने मुस्लिम लीग का साथ दिया। 1946 में पाकिस्तान के निर्माण के लिए मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, जिसके बाद बंगाल में भीषण दंगे हुए। कलकत्ता के नुआखाली नरसंहार में कई हिंदुओं की हत्याएं हुईं। सैकड़ों ने इस्लाम कबूल कर लिया। हिंदू महिलाओं का बलात्कार, अपहरण किया गया। इसके बाद मैंने दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मैंने हिंदुओं के भयानक दुख देखे, लेकिन फिर भी मैंने मुस्लिम लीग के साथ सहयोग की नीति को जारी रखा। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनने के बाद मुझे मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। मैंने ख्वाजा नजीमुद्दीन से बात कर ईस्ट बंगाल के कैबिनेट में 2 पिछड़ी जाति के लोगों को शामिल करने का अनुरोध किया। उन्होंने मुझसे वादा किया कि ऐसा होगा, लेकिन
बाद में इसे टाल दिया गया, जिसको लेकर मैं आज तक बहुत हताश हूँ। मंडल ने अपने खत में पाकिस्तान में दलितों पर हुए अत्याचार की कई घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, गोपालगंज के पास दीगर कुल में मुस्लिम की झूठी शिकायत पर स्थानीय नमोशूद्राय लोगों के साथ क्रूर अत्याचार किया गया। पुलिस के साथ मिलकर मुसलमानों ने नमोशूद्राय समाज के लोगों को पीटा, घरों में छापे मारे। एक गर्भवती महिला की इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि उसका मौके पर ही गर्भपात हो गया। निर्दोष हिंदुओं, विशेष रूप से पिछड़े समुदाय के लोगों पर सेना और पुलिस ने भी हिंसा को बढ़ावा दिया। सियालहेड जिले के हबीबगढ़ में निर्दोष पुरुषों और महिलाओं को पीटा गया। सेना ने न केवल लोगों को पीटा बल्कि हिंदू पुरुषों को उनकी महिलाओं को सैन्य शिविरों में भेजने पर मजबूर भी किया, ताकि वो सेना की कामुक इच्छाओं को पूरा कर सकें। मैं इस मामले को आपके संज्ञान में इसलिए लाया क्योंकि मुझे ये आश्वस्त किया गया था कि इसकी रिपोर्ट होगी, मगर कोई रिपोर्ट नहीं हुई। खुलना जिले के कैलशरा में पुलिस, सेना और स्थानीय लोगों ने निर्दयता से पूरे गांव पर हमला किया। कई महिलाओं का पुलिस, सेना और स्थानीय लोगों द्वारा बलात्कार भी किया गया। मैंने 28 फरवरी 1950 को कैलशरा और आसपास के गांवों का दौरा किया। जब मैं कैलशरा में आया तो देखा यहाँ जगह उजड़ और खंडहर में बदल गई है। यहाँ करीबन 350 घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। मैंने तथ्यों के साथ आपको सूचना दी। ढाका में 9 दिनों के प्रवास के दौरान मैंने दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। ढाका नारायणगंज और ढाका चटगांव के बीच ट्रेनों और पटरियों पर निर्दोष हिंदुओं की हत्याओं ने मुझे गहरा झटका दिया। मैंने ईस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री से मिलकर दंगे को रोकने के लिए ज़रूरी कदम उठाने का आग्रह किया। 20 फरवरी 1950 को मैं बरिसल पहुंचा। यहां की घटनाओं के बारे में जानकर मैं चकित था। यहां बड़ी संख्या में हिंदुओं को जला दिया गया, बड़ी संख्या में उन्हें ख़त्म कर दिया गया। मैंने जिले में लगभग सभी दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मधा पाशा के जमींदार के घर में 200 लोगों की मौत हो गई और 40 घायल थे। एक जगह है मुलादी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने यहाँ भयानक नरक देखा। यहाँ 300 लोगों का कत्लेआम हुआ। वहाँ गांव में शवों के कंकाल भी देखे गए। नदी किनारे गिद्ध और कुत्ते लाशों को खा रहे थे। यहाँ सभी पुरुषों की हत्याओं के बाद उनकी औरतों के साथ बदसलूकी हुई। राजापुर में 60 लोग मारे गए। बाबूगंज में हिंदुओं की सभी दुकानों को लूटकर आग लगा दी गई। ईस्ट बंगाल के दंगों में अनुमान के मुताबिक 10,000 लोगों की हत्याएं हुईं। अपने आसपास महिलाओं और बच्चों को विलाप करते देखते हुए मेरा दिल पिघल गया। मैंने अपने आप से पूछा, क्या मैं इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान आया था? मंडल ने अपने खत में आगे लिखा, ईस्ट बंगाल में आज क्या हालत है। विभाजन के बाद 5 लाख हिंदुओं ने देश छोड़ दिया है। मुसलमानों द्वारा हिंदू वकीलों, हिंदू डॉक्टरों, हिंदू व्यापारियों, हिंदू दुकानदारों के बहिष्कार के बाद उन्हें आजीविका के लिए पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। मुझे मुसलमानों द्वारा पिछड़ी जाति की लड़कियों के साथ बलात्कार की जानकारी मिली है। हिंदुओं द्वारा बेचे गए सामान की मुसलमान खरीदार पूरी कीमत भी नहीं दे रहे हैं। तथ्य की बात यह है कि पाकिस्तान में ना कोई न्याय है, ना कानून का राज, इसलिए हिंदू चिंतित है। पूर्वी पाकिस्तान के अलावा पश्चिमी पाकिस्तान में भी ऐसे ही हालात हैं। विभाजन के बाद पश्चिमी पंजाब में 1 लाख पिछड़ी जाति के लोग थे। उनमें से बड़ी संख्या को बलपूर्वक इस्लाम में परिवर्तित कर लिया गया। मुझे एक लिस्ट मिली है जिसमें बताया गया है 363 मंदिर और गुरुद्वारे मुस्लिमों के कब्जे में हैं। इनमें से कुछ को मोची की दुकान, कसाई खाना और होटलों में तब्दील कर दिया गया है। मुझे जानकारी मिली है सिंध में रहने वाली पिछड़ी जाति की बड़ी संख्या को जबरन मुसलमान बनाया गया। इन सब का कारण एक है, हिंदू धर्म को मानने के अलावा इनकी कोई गलती नहीं है। मुझे ये भी सूचना मिली है कि सभी माध्यमिक विद्यालयों में एक सर्कुलर के माध्यम से ये अनिवार्य कर दिया गया है कि स्कूलों में अध्यापन का कार्य शुरू होने से पहले पवित्र कुरान का पढ़ा जाना आवश्यक है। जोगेंद्रनाथ मंडल ने अंत में लिखा, पाकिस्तान की पूर्ण तस्वीर तथा उसकी निर्दयी एवं कठोर अन्याय को एक तरफ रखते हुए मेरा अपना तजुर्बा भी कुछ कम दुखदायी, पीड़ादायक नहीं है। आपने अपने प्रधानमंत्री और संसदीय पार्टी के पद का उपयोग करते हुए मुझसे एक वक्तव्य जारी कराया था जो मैंने 8 सितंबर को दिया था। आप जानते हैं मेरी ऐसी मंशा बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं असत्य और असत्य से भी बुरे
अर्धसत्य भरा वक्तव्य जारी करूं। जब तक मैं मंत्री के रूप में आपके साथ और आपके नेतृत्व में काम कर रहा था, मेरे लिए आपके आग्रह को ठुकरा देना मुमकिन नहीं था। पर अब मैं इससे ज़्यादा झूठ, दिखावे तथा असत्य के बोझ को अपनी अंतरात्मा पर नहीं लाद सकता। मैंने ये निश्चय किया है कि मैं आपके मंत्री के तौर पर अपने इस्तीफे का प्रस्ताव आपको दूँ, जो कि मैं आपके हाथों में थमा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप बिना किसी देरी के इसे स्वीकार करेंगे। आप बेशक इस्लामिक स्टेट के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस पद को किसी को भी देने के लिए स्वतंत्र हैं। आपका जोगेंद्रनाथ मंडल। पाकिस्तान में मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद जोगेंद्रनाथ मंडल भारत आ गए। कुछ वर्ष गुमनामी की जिंदगी जीने के बाद 5 अक्टूबर 1968 को पश्चिम बंगाल में उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको अंत में बताते चलें कि हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन द्वारा साल 2013 में एक शोध किया गया था, जिसका नाम था हिंदूज इन साउथ एशिया एंड द डायस्पोरा, अ सर्वे ऑफ ह्यूमन राइट्स 2013। रिपोर्ट के पेज नंबर 74 के मुताबिक बंटवारे के बाद वर्तमान पाकिस्तान की हिंदू आबादी 15% थी, जो आज घटकर मात्र 1.6% रह गई है। अमेरिका के प्रोफेसर सरस्वती सरकार बताते हैं कि पिछले 50 सालों में पाकिस्तान की हिंदू आबादी में 90% की कमी आई है। इसके पीछे का कारण उन्होंने वहां गैर मुसलमानों के प्रति सामाजिक भेदभाव को बताया है। हमारी बच्ची जाने के बाद 3000 बच्चियां इस जिले से निकाली गई हैं। मेरी 2-3 पोतियां हैं, 2-3 पोते हैं, सब हमने स्कूलों से निकाल लिए। जब हमने निकाल लिए तो और भी 3000 बच्चियां निकाली गई हमारी बच्ची की वजह से। ये हमारे साथ बहुत ज्यादा जुल्म होता है, इससे ऊपर कोई जुल्म नहीं है। 8-9 साल हो गए आज जो जाती हुई है, हमारी बच्ची अगवा हुई है। उन्होंने बोला अभी इस्लाम कबूल कर लिया, हमने नहीं जाते देते। बच्ची रो रही थी, बोला था हम आती है इधर, फिर भी नहीं दिया। अभी 8-9 साल हो गए, शक्ल भी नहीं देखी अभी तक। हम हुकूमत से ये अपील करते हैं भाई, हमारे साथ ये जुल्म ना हो। मुसलमानों के साथ भी कहते हैं, मुसलमानों को हमारा साथ दो, हम भी पाकिस्तानी हैं।